जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज दिनांक 4/11/2022, आई मीन 4 नवंबर 2022 है, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की आलू के भाव की। आखिरकार वही हुआ जो चीज पहले बोली जा रही थी कि भाई दीपावली के बाद एक बार ऐसा किया जाएगा, एक बार लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर फैला दिया जाएगा जिससे कि लोगों को ये लगेगा कि यार सब कुछ गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही चल रहा है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आलू के भाव की, उसके बाद बात करेंगे आलू की जो भी चर्चाएं चल रही हैं आलू के फ्यूचर पर, आलू के भविष्य पर। सबसे पहले अगर बात की जाए, इस समय आप लोग अगर जो है व्हाट्सएप के ग्रुपों में देखोगे तो आमदनी हर जगह ज्यादा दर्शाई जा रही है। हाँ, आमदनी ज्यादा हो गई है मंडियों में, लेकिन जितनी ज्यादा दर्शाई जा रही है उतनी नहीं। आज कानपुर मंडी में जो आमदनी है आपकी 50 से लेकर, जिन किसान भाइयों को कुफरी नीलकंठ का बीजा चाहिए तो आप लोगों को जो डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग कुफरी नीलकंठ का बीजा परचेस कर सकते हैं, और बीजा जो है अपनी फर्क से और अच्छे से वहां पे जाकर ही खरीदे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर। मोटर की आमदनी है ऊपर होगी तो 70 आमदनी है, लेकिन अगर गोपू में आप देखोगे तो आपको 150 से लेकर 200 मोटर की आमदनी दर्शाई जाएगी। गलत है। आज कानपुर की मंडी में जो आलू का भाव है आपका, जो मतलब ज़्यादातर वहाँ पे पता, कानपुर मंडी में आज आमदनी टोटल आपकी 50 से 60-70 मोटर की है, और ज़्यादा आमदनी किसकी हो गई है, लगभग 40 गाड़ी तो बीजा बीजा ही पहुँच गया है, मतलब आलू का बीजा जो है बहुत पहुँच गया है वहाँ पे। जो भी है लगभग 20 गाड़ी पहले का बैलेंस भी था कल का, और 250 से लेकर 350 रुपये के हिसाब से बीजा बिक रहा है। अच्छा, 400 से लेकर 500 रुपये बिक रहा है बीजा। वहीं अगर बात करते हैं न्यू हाईलैंड आलू की तो 700 से लेकर 750 और अच्छा 800 रुपये प्रति मन। वहीं अगर बात करें चिप्स सोना और श्रीनाथ की तो आपका 850 से लेकर 950 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। वहीं अगर बात करें ख्याति पुखराज की तो 600 से लेकर 700, अच्छा है तो 750 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे आगरा क्षेत्र की तो आगरा क्षेत्र में 900 से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है, और अच्छे माल 1050 रुपये और 1100 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से ही बिक रहे हैं। वहीं बात करें अगर फरखाबाद की तो फरखाबाद में ख्याति पुखराज आलू 700 से लेकर 750, अच्छे आलू 800 रुपये। न्यू हाईलैंड 750 से लेकर और 885 ऊपर में 900 रुपये प्रति कट्टा सब दाम के हिसाब से बिक रहे हैं फरखाबाद में। छिपरामों की बात करें, लिवाली बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या है कि ज़्यादातर व्यापारी भाई अपना खुद का माल कटा रहे हैं, जो खुद का मतलब उनका रखा हुआ ना वो ही ज़्यादा कटा रहे हैं और बागा की ले नहीं रहे। दरअसल बात यह है कि केवल किसान ही नहीं डरे हुए हैं, डरे व्यापारी भाई भी हैं लोगों के कहने और सुनने से, मतलब सभी लोग एक बार डर चुके हैं। अब डर तो डर होता है भाई, कैसा भी हो, अब तो लोगों का ये भी मानना है कि यार बम फूट गया, चले गए, एक हफ्ता में और चले जाएंगे, जो हुआ गड्ढे में चले गए, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा भी मानना यही है कि भाई निकालो यार, आराम से निकाल दो, शायद हो सकता है ऐसा होता है, ये एक हवा हवाई होता है, आलू का धंधा जो है हवा हवाई पर चलता है, जिस तरफ की हवा चल जाती है उस तरफ ये निकल जाता है भाई साहब। तो हवा जो है इधर की ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही है, और हमारे जो बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं वो थोड़ा ढीला पड़ गए हैं, और उनकी अब ताकत नहीं रही है तेज़ी बोलने की। अभी क्या है, अब तो वो 2023 की बात करने लगी, 2022 तो गड्ढे में फेंक दिए, लेकिन 23 की अभी से बात करने लगे हैं। इतने बड़े बड़े ज्ञानी और वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, 2022 ख़त्म कर दिए, जब मिट रहे हैं कट रहे हैं तब कोई नहीं देख रहा है। आलू फेंकने का भी मेरे पास वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो यार, जो आलू मशीने वाली जगह पर रखा हुआ था, दीवार साइड में रखा हुआ था, वो आलू हाँ डैमेज भी हो गया है, वो तो होता ही है, हर साल फेंकता भी है तो कुछ होता है, लेकिन वैसा वादा है मेरा, तसल्ली रखो, आराम से धैर्य रखो, आराम से निकालो, धीरे से सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब नए आलू का यार सबसे ज़्यादा वो चल रहा है यार कि नया आलू आ गया है। देखो यार, नया आलू आ गया है और कब चला जाएगा ये भी समझ में नहीं आ पाएगा हम लोगों को। नया आलू हम लोगों का दिसंबर के लास्ट वीक में ही सही से आना प्रारंभ होगा, एक साथ में जितना भी 10 बीघा 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा 1000 बीघा आलू है वो एक बार आके चला जाएगा। हालांकि अभी लोकल का आलू मेरे यहाँ छिबरामऊ कन्नौज तालिग्राम सौरिक इन जगहों का जो आलू है आपका 25 नवंबर से ही खुदाई होगा,
अब वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा वो पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतना खास आलू नहीं है, ज़्यादा आलू की बुवाई नहीं हुई थी, अगौती आलू की बुवाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी इस साल। तो क्या है कि ये मान के चलो आप लोग कोल्ड स्टोरों में लोग ये मानना यार मशीनें वगैरह बंद कर दी गई हैं और यार अब तो यार दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ये भी मेरा मानना है कि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है मशीनें बंद की गई हैं। हाँ किसी किसी ने मतलब जो आदेश होते हैं 31 अक्टूबर जनमशीन चलने के किसी ने किसी बंद कर दी थी, लेकिन जब माल अंदर है सबको थोड़ा बहुत है तो अगर पहले खूब चलती थी तो अब थोड़ी बहुत चलाई जा रही है जिससे कि नुकसान ना हो सके, आलू बच जाए। अब भाई हमारे पास नया आलू आने में अभी समय जो है समथिंग 1 महीने का है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लो और लोगों के कहने सुनने में ना आओ, 2023 की बात अभी मत करो, अभी 2 महीने 2022 में ही है, इससे तो पहले निपट लो, 2023 की बात तो करने लगते हैं। आलू के भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए, अभी क्या था आलू के दाम में 100 रुपये पक्का डाउन कर दिया गया है कह कह के, लेकिन ये है आलू का भाव किसने गिराया, आलू का भाव किसने गिराया, मतलब जितने भी निवल क्वालिटी के आलू थे, जितने भी रद्दी आलू थे वो भी लोग लेके चल गए मंडियों में। अब भाई निवल क्वालिटी में इतना बिक रहा है, मतलब हमने देखा यार वो 400-500 में बिक रहा है, तो यार ये भी तय में होना चाहिए ना, लेकिन लोग नहीं कहते हैं तो वो थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए थोड़ा निवल क्वालिटी ज़्यादा पहुँच रही मंडियों में, इसलिए आलू के दाम गिर गए हैं। और हो सकता है आलू का जो भाव है आपका सोमवार से बढ़ोतरी की ओर चला जाए। दरअसल बात यह है कि अभी सभी मंडियों में आमदनी जो है ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, और आज शुक्रवार है और कल है शनिवार, कल का दिन और है बीच में, उसके बाद पड़ता है संडे, संडे को सभी मंडियां रहती हैं बंद, जितना भी बैलेंस होगा वो कल तक निपट जाएगा, हालांकि कल भी होगा दाम डाउन हो जाए, लेकिन मंडे को जो है मंडियाँ साफ हो जाएंगी, सब कुछ ठीक ठाक है, पूर्वांचल में खूब ठीक ठाक बारिश हो गया है, हो सकता है मंडे को आलू के दाम में उछाल आ जाए, जैसे ही उछाल आए वैसे धीरे से निकालने की बात करते रहो, अभी से अपने अपने व्यापारी लोग सेट कर लो और आराम से आलू का दाम जैसे ही सही हो जाए वैसे ही अपने आलू की बिक्री कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा हम किसान भाइयों के लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी बात को सही से समझ पाया होगा, अगर नहीं समझ पाया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने किस चीज़ को मेरे जो है नहीं समझ पाया है, मैं दूसरी वीडियो में आपको सही रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आशा करते हैं भगवान।